हेलो दोस्तों, एक बार से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, एक्सेल के इस बहुत छोटे से ट्यूटोरियल में हम समझेंगे एक्सेल फंक्शन राइट को। दोस्तों, राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये हमारे पास कई बार बहुत काम आ जाता है। दोस्तों, राइट फंक्शन, जैसे कि आप समझ भी पा रहे हो, राइट फंक्शन मतलब किसी भी डेटा की राइट की वैल्यूज को निकालना। जैसे हमारे पास ये डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा में मैं चाहता हूँ कि केवल चार राइट की डिजिट इस वाले सेल में आ जाए। तो मैं क्या करूँ, इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट शुरू टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, कोमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स, फोर कैरेक्टर्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने क्या करा, राइट साइड के चार कैरेक्टर्स आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिए, और इसका आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इस तरीके से सारे सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले डेटा में देखिए आपको क्या यहाँ निकालना है, केवल ईयर ईयर आपको डिस्प्ले कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट शुरू टेक्स्ट कोमा, कितने कैरेक्टर्स, ईयर हमारे पास चार कैरेक्टर्स का है तो चार, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो लास्ट के फोर करेक्टर्स आपको यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास कितने करेक्टर्स का डेटा हमें चाहिए। कई बार क्या होता है कि डायनेमिकली आपको नहीं पता होता कि हमें कितने करेक्टर्स तक का डेटा निकालना है। जैसे यहाँ पे लास्ट नेम आपने निकालने हैं, लेकिन आपको कोहली और गांधी, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, इन सब में करेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब जैसे मैं इज इक्वल टू करता हूँ राइट ब्रैकेट शुरू टेक्स्ट दिस कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, अब कोहली के तो हैं पांच, मैं पांच लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो कोहली तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके जाता हूँ, तो ये देखिए इसने क्या करा, ये सारे फाइव कैरेक्टर्स तक की डेटा इसने लिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डायनेमिकली फॉर्मूला यूज करते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या करा है, हमने यहां तक का तो हमारे पास राइट और टेक्स्ट, राइट फॉर्मूला में लगाया और टेक्स्ट हमने चूज कर लिया, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप अगर जो ध्यान से देखोगे तो कौन से हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कौन सा होगा इसके अंदर, अगर हम इस पूरे को काउंट करें और स्पेस से पहले की जो वैल्यू है उसको घटा दें तो क्या होगा, तो हमारे पास केवल लास्ट की ही डिजिट रह जाएंगी। राइट, तो इसको हम देखिए आप कैसे निकालेंगे। राइट तो हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसकी लेन निकाल लेते हैं। लेंथ से हमारा टोटल पता लग जाएगा कि इस पूरे डेटा के अंदर कितनी डिजिट्स हैं। तो ये हमने लेंथ निकाल ली, अब हम इसमें माइनस कर देते हैं क्या, फाइंड ब्रैकेट शुरू स्पेस के बाद वाले करेक्टर्स, ये ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब क्या हुआ, अभी भी इसने वो सेम ही रिजल्ट आपको दिखाया, लेकिन अगर हम इस डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो ये डायनेमिकली फॉर्मूला चेंज कर देगा। ये देखिए, तो इसने क्या क्या होगा, इसने पहले राइट का फंक्शन लगाया कि भाई पहले हमें राइट का डेटा चाहिए इस डेटा में से, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करें कि इस पूरे डेटा के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए हमने लेन फॉर्मूला को यूज किया, फिर हमने फाइंड करके स्पेस से पहले की वैल्यू घटा दी, ये बाद वाली डिजिट यहाँ पे आ गए। सिमिलरली आप इस वाली डेटा में भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें ईमेल का डोमेन निकालना है, मतलब एट द रेट के बाद का, कि भाई इसकी जो ईमेल है वो याहू पे है, हॉटमेल पे है, किस पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे, इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट शुरू टेक्स्ट दिस कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें नहीं पता तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, लेन ब्रैकेट शुरू फिर टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, एक एक मुद्दा खत्म हो गया, माइनस फाइंड, फाइंड क्या, टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, क्या है टेक्स्ट बताइए, एट द रेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नंबर ऑफ विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए इसने क्या करा, डायनेमिकली याहू डॉट कॉम यहां डिस्प्ले करा दिया, जो कि हमारा ईमेल डोमेन है और एट द रेट के बाद का कॉन्टेंट है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये इस तरीके से आपको पूरे जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राइट फंक्शन को स्मार्टली यूज कर सकते हो। दोस्तों, इसका एक और फंक्शन सिमिलरली होता है, वो होता है लेफ्ट वाला, लेफ्ट के लिए मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।